सिवली बाड़ी ईदगाह में ईद के नमाज के साथ सभी ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। इसके पूर्व सभी छोटे बड़े सिवली बाड़ी ईदगाह में एकत्रित हुए, जहां सिवली बाड़ी बड़ी मस्जिद के मौलाना मसूद अख्तर द्वारा ईद के बारे में लेकर के कई जानकारी दी। उसके बाद सभी ने ईद की नमाज अदा की। मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी ने भी सभी से गले मिलकर सभी को ईद की बधाइयां दी। के मौके पर सभी को बधाई। ये खुशी का त्यौहार और हम समझते हैं अल्लाह ताला सबकी सलामत रखे, सबकी दुआ वासियों को हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि पूरा देशवासियों ईद दो साल कोरोना काल बीतने के बाद ईद इतना बढ़िया से मनाया जा रहा, सब बढ़िया से खुशहाली से प्यार मोहब्बत से मनाया जा रहा। पर सबसे पहली बात है कि पूरा एक महीना रमज़ान का पर्व हम लोगों को अच्छी शिक्षा का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम है, हर बुराई से बचाने का पैगाम है। और आज ईद खुशी का पर्व है, हर गिला शिकवा मिटाकर आपस में गले मिल रहे हैं। यही हम लोग का इस्लाम धर्म में ये मोहब्बत का पैगाम खुलेआम है और हम लोग भी चाहते हैं कि ये मोहब्बत पूरे देश में इसी तरह फैले ताकि नफरत ख़त्म हो। कहते खुशी का दिन है, ये खुशी एक महीना रोज़ा रखने के बाद हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज मैदान में जाके नमाज़ पढ़ी और खुशी का इजहार किया। और ये नमाज असल में भाईचारगी आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद का एक मैसेज देता है, पैगाम देता है। और यहीं से ये पैगाम देना चाहूँगा कि आज खुशी का दिन है, हमारी खुशी में सब लोग शरीक हों और मैं सभी भारतवासियों को अपनी तरफ से ईद मुबारक देता हूँ।